हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन की रिएक्शंस बताऊंगा। देखिए, वैसे तो ये बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन मैं आपको 6 टाइप्स में सारे कन्वर्जन कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है इंटर क्लास के लिए और IIT और CVSE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं, ठीक है। मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो सभी इसके माध्यम से सीख सकें, ठीक है गाइस। देखिए, मैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन बताऊँगा। देखिए, सबसे वैसे तो बहुत टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, मैं आपको 6 टाइप में ही इसे कंप्लीट करूँगा। सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शंस बताऊँगा मैं बताऊँगा वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन जो मैं बताऊँगा आपको बताऊँगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चौथी रिएक्शन जो बताऊँगा मैं रिडॉक्स रिएक्शन बताऊँगा, और जिसमें इंटर के सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, जो सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक 11th का टॉपिक है और पी और डी ब्लॉक 12th का टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, मैं रिएक्शंस बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयन एक्सचेंज रिएक्शन की। देखिए, आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं, आयनिक रिएक्शंस होती क्या है, यानी जिनमें जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शंस। क्या कहते हैं? रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस। तो देखिए, आयन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है, हम पहचान कैसे करेंगे कि ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट होंगे हमारे, जो रिएक्टेंट होंगे वो दोनों ही आयन में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये समझ लो वो आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन की बात करूं, जैसे हमारे पास एक है AB और दूसरा है XY, ठीक है, इसको मैं हीट कर रहा हूं। ये जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव की डिमांड करेगा, किसकी डिमांड करेगा, नेगेटिव की, और ये पॉजिटिव इसकी डिमांड करेगा। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, AY बनेगा प्लस XB बनेगा। ये जो रिएक्शंस है आपकी कौन सी रिएक्शन से, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। भाई आयन एक्सचेंज रिएक्शन, चलो आपने डाला और बन गया, तो कोई तो कंडीशन होगी, यस कंडीशन है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन में वाटर फॉर्मेशन होगा, वाटर फॉर्मेशन होगा। दूसरा, गैस फॉर्मेशन होगा, या तो वाटर फॉर्मेशन होगा या फिर गैस फॉर्मेशन होगा। तीसरा, PPT बनेंगे, प्रिस्प्रेट, ठीक है, तो या तो जल बनेगा या गैस बनेगी या फिर अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अवक्षेप, ठीक है। तो आप समझे, अब ये 3 कंडीशन है। अगर वाटर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिसे हम उदासीन रिएक्शन बोलते हैं, ये गैसीय रिएक्शन होगी और ये प्रेसिपिट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखिएगा, एक सबसे पहले हम कंपाउंड लेते हैं, हमने सबसे पहले ले लिया NaOH प्लस क्या लिया, HCl। ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ का पॉजिटिव किसकी डिमांड करेगा, यहाँ की नेगेटिव की, तो क्या बना, NaCl प्लस, और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ की नेगेटिव की डिमांड करेगा, तो HOH मींस H2 वाटर, ठीक है, दैट इज सोडियम क्लोराइड और दैट इज वाटर। ये रिएक्शन जो है, देख लो मैंने बताया था वाटर फॉर्मेशन होगा, ये कौन सी रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, सॉरी वाटर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, दूसरी लेता हूँ NaOH प्लस HCl,
H2SO4, ठीक है, H2SO4, तो ये भी एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कैसा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ की डिमांड करेगा, ठीक है भाई, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या बनेगा, HOH वाटर। अब तुम्हारी एक बात समझ लीजिए कि भाई Na के पास तो एक चार्ज है, OH के पास माइनस, H पे प्लस वन चार्ज होता है और SO4 पे माइनस टू चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव ये इसको रिएक्ट करेगा। तो आप जरा समझें कि Na पे तो एक चार्ज है और SO4 पे दो है, तो ये चार्ज इधर आएगा, तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा भाई, देखो जरा क्या बनाएगा, Na2SO4 और प्लस HOH, HOH क्या बन जाएगा, वाटर। ये रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है CaCO3 प्लस HCl, ठीक है, तो ये आयन में एक्सचेंज हो जाएगा, ये भी आयन में एक्सचेंज हो जाएगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इस पे दो चार्ज होगा और इस पे भी दो चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव की डिमांड करेगा, तो क्या बनाएगा, CaCl2। अब CaCl2 क्यों बना, इसका रीजन देखिए, कैल्शियम पे दो चार्ज होता है और Cl पे माइनस वन, जो बैलेंसी एक्सचेंज होगी तो CaCl2 बनेगा, क्या बनेगा, CaCl2। अब क्या बनेगा, प्लस H2CO3। हमारी पूरी केमिस्ट्री में सबसे कम अनस्टेबल कंपाउंड है हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट सबसे कम अनस्टेबल है, और ये है आपका एसिड, और ये तुरंत किस में टूटेगा, H2O+CO2, ठीक है। तो इसको इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, ये लिखना होता है, क्या बात समझ, और हमारा सबसे कमजोर बेस है NH4OH, ये कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, और ये कहीं बन भी रहा है, अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको तुरंत ये ब्रेक करना होगा NH3+H2O में, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं इसी रिएक्शन को दोबारा बता रहा हूं आपको, CaCO3+HCl, तो ये तो अपना कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या बनाएगा, CaCl2+CO2+H2O, ठीक है। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन क्या है, देख लीजिए गैस बन रही है, ये तो होती है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। दोबारा समझिएगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन की आप पहचान कैसे करेंगे, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी हमारे जो अभिकारक होंगे, अभिकारक, और ये होता है उत्पाद, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, दैट इज जिनसे रिएक्शन कराई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन पहचान कैसे करेंगे, ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, आपके जो भी दो रिएक्टेंट होंगे वो दोनों रिएक्टेंट आयन में एक्सचेंज हो जाएंगे, आयन में एक्सचेंज होकर पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला जाएगा, तो ये रिएक्शन जो होती हैं ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप मेरे व्हाट्सअप से आप एक्सरसाइज ले सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है, सीरियस कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस रिएक्शन को रट लेते हैं लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है, वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कहां यूज होती है, देखिए एक पार्ट तो आयन में एक्सचेंज हो जाएगा, बट दूसरा जो पार्ट होगा, जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो आयन में एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल Na
OH plus Cl2। जिन बच्चों को ये रिएक्शन रटी हुई होगी, देखो पिछली बार बोर्ड परीक्षा में ये रिएक्शन आई थी और इस बार भी आने के चांस हैं इसके, तो अब ये रट रही होगी तो बच्चा कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होगी। रट रही होगी तो रिएक्शन हो जाएगी NaOCl plus NaCl plus H2O। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना होगा, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। बट ये बना कैसे, दैट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसे बन गया, हम कैसे मान लें कि यही बनेगा? तो देखिएगा जरा मेरी बात को, यहाँ समझेंगे आप। वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, पहली रिएक्शन NaOH plus SO2, NaOH कोई सा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यूज कर सकते हो, N2O5। चौथा है अपना NaOH plus SiO2। ठीक है, तो देखिएगा वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, आप इसमें वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो इसमें, वाटर क्या ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड करने पर देखिए क्या बना, H2Cl2O ये बन गया। इसे आप दो जगह ब्रेक कर लो फेमस फेमस चीज़ों में, तो देखिए इसे दो जगह ब्रेक करेंगे तो ये दो जगह ऐसे ब्रेक हो जाएगा, एक तो बन गया HCl और एक बन गया HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड और दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर NaOH इससे रिएक्शन करेगा, अगर ये इससे रिएक्शन करता है, देखिए मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ, फिर एक साथ जोड़ के बताऊँगा, NaOH प्लस HCl रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर बनाएगा, यस बनाएगा। अब दूसरी बात, NaOH प्लस HOCl फिर क्या बनेगा भाई, सर NaOCl बनेगा प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो अब एक बात बताइए, इसको जोड़ लेते हैं ना, क्या बना भाई, 2NaOH प्लस, ये क्या था, ये दोनों को जोड़ के, इन दोनों में मैंने वाटर ही तो मिलाया था, ये Cl2 था प्लस Cl2 प्लस क्या बना भाई, इन दोनों को जोड़ो, एरो क्या बनेगा, NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर, क्या बनेगा, वाटर, दैट इज क्लियर। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी इस बार के लिए। क्या बात समझ में आई आपके, ठीक। अब देखिए SO2 के साथ बात बताता हूँ मैं, अगर अब तुम ये भी रट रही होगी रिएक्शन तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात, आप इसमें वाटर मिलाओ, क्या मिलाओ, वाटर ऐड करो, क्या बन गया, H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या प्रोडक्ट बना भाई, Na2SO3 प्लस वाटर। ठीक है, अब ये भी रिएक्शंस जिनको रटी हुई है वही कर पाएंगे। तो देखिए कुछ नहीं, इसमें क्या मिलाना है आपको, वाटर मिलाना है, वाटर मिला दीजिए, क्या बना, H2N2O6, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद में ये क्या बन गया, HNO3। यानी N2O5 किसकी तरह वर्क करेगा, HNO3 की तरह, किसकी तरह करेगा, HNO3। तो HNO3 का मतलब है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एसिड बन गया, तो ये क्या बनाएगा भाई, NaNO3 प्लस वाटर। ठीक है, बात समझ में आई आपके। चलो SiO2 की बात करते हैं, जैसे सिल्का कहते हैं, अब इसकी भी डायरेक्ट रिएक्शन हम नहीं कर पाएंगे, तो आप इसमें वाटर मिलाइए, क्या मिलाइए, वाटर ऐड करिए, क्या बनेगा, H2SiO3, क्या बन गया, सिलिकेट, तो ये बनाएगा सोडियम सिलिकेट, क्या बनाएगा, ये लिखते नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें समझना है, आपको समझना है क्या बनेगा, SiO3। ठीक है, तो ये और प्लस वाटर, ये जो रिएक्शंस हैं ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, तो आपकी समझ में आई होगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिएगा अब तुम्हारे पास भाई NaOH प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आप क्या समझ पाएंगे, कैसे करें इसी रिएक्शन को, हमें तो पता ही नहीं भाई, इसके साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, ये आयन में एक्सचेंज हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा, वाटर ऐड करो इसमें, वाटर ऐड करने पर क्या बना, H2CO3 बना, क्या बना, H2CO3 दैट इज बिक एसिड। अब ये कार्बोनेट और ये Na, तो अब एक बार अलग करके देख लीजिए, तुम ऐसे करो NaO प्लस H2CO3 को रिएक्ट करा के देखो आप,
तो भाई यहाँ का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस वाटर। यही प्रोडक्ट सेम यहाँ बनेगा, Na2CO3 प्लस वाटर, इसके माध्यम से समझो और इस रिएक्शन को करो आप। क्या बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है ना? ठीक, कमेंट में बता दिया करो कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। कि भाई आपके पास एक NaOH है और दूसरी साइड में है आपके पास O7, ठीक है, Cl2O7। अब भाई हम क्या बनाएं, हमारी समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ भी हम क्या बना सकते हैं इससे? तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, इसमें वाटर ऐड करो। वाटर ऐड करने पर क्या बना? ये बन गया सर H2Cl2O8। कुछ कॉमन लग रहा है कि? यस, टू कॉमन ले लो। क्या बचा? क्या बन गया? परक्लोरेट एसिड। क्या बन गया? परक्लोरेट एसिड। तो ये जैसे अब इधर करके देख लीजिए रिएक्शन, NaOH प्लस HClO4। तो ये क्या बनाएगा भाई? ये दोनों तो मिलके वाटर बना देंगे, और ये क्या बनाएगा? सोडियम क्लोरेट, NaClO4 प्लस H2O। ठीक है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन। एक पार्ट आयन में एक्सचेंज होगा, दूसरा पार्ट आयन में एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? ओके, देखिए भाई NaOH प्लस NO2। अब भाई वाटर मॉलिक्यूल्स करें तो अभी इसमें कोई व्यवस्था नहीं बन रही। चलो तो हम क्या करें, इसमें इसमें टू का मल्टीप्लाई कर लो आप। टू, अगर तुम टू का इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये पता है क्या बनेगा? N2O4। अब इसमें वाटर ऐड करो आप, और वाटर ऐड करने पर क्या बना? H2N2O5। अब दो जगह इसे फेमस फेमस चीजों में ब्रेक कर लो, एक तो हो जाएगा HNO3 और दूसरा हो जाएगा HNO2। दैट इज नाइट्रेट एसिड और दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब तुम खुद देख लीजिए, ये एक रिएक्शन करेगा, अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? NaNO3। और ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? NaNO2 प्लस वाटर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरीके से सबसे पहले मैंने आपको आयन एक्सचेंज रिएक्शन बताई, फिर उसके बाद मैंने आपको कौन सी रिएक्शन बताई? वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन। इसके बाद मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताऊंगा, बहुत बड़े से रूप में इसका पूरा अच्छे तरीके से मैं सारी रिएक्शन, चाहे वो एल्काइल मेटल हो, चाहे वो एल्काइल अर्थ मेटल हो, चाहे वो पी ब्लॉक का हो, कोई सा हो, सभी के साथ में इनकी रिएक्शन बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बस लास्ट में रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।